मोरिना में प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले एक बुजुर्ग डॉक्टर का अपहरण कर 22 साल की महिला के साथ उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कराने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामनगर जोरा निवासी 57 वर्षीय रमेश पुत्र सुंदरलाल पांडे सुमावली गांव में मिडिल स्कूल के सामने पांडे क्लिनिक चलाते हैं। उन्हीं के पास में बड़ापुरा महटोली गांव का भूरा उर्फ लायक कुशवाहा भी बजरंग क्लिनिक नाम से अपना क्लिनिक चलाता है। डॉक्टर भूरा कुशवाहा ने डॉक्टर रमेश पांडे का क्लिनिक बंद करवाने के लिए यह साजिश रची, जिसकी शुरुआत 15 मई की दोपहर 1 बजे हुई। जब भूरा कुशवाहा डॉक्टर पांडे के क्लिनिक पर आया और उनके मोबाइल से किसी को कॉल किया, उसी नंबर से एक महिला का फोन आया जो अश्लील बातें करने लगी। 3 दिन बाद वह एक शादी के लिए निकले तो महाराजपुरा पुलिया के पास संतोष व मोनू कुशवाहा नाम के दो युवकों ने उनकी बाइक रोक ली। दोनों ने बाइक छीनी और डॉक्टर को बीच में बैठा कर जोरी गांव में नरुआ के पास ले आए, जहां बादामी कुशवाहा नाम की बुजुर्ग महिला मिली। बादामी के साथ मिलकर मोनू व संतोष ने डॉक्टर को एक कमरे में बंद कर दिया, जहां 22 साल की लक्ष्मी नाम की महिला पहले से थी। लक्ष्मी डॉक्टर रमेश पांडे से जबरन लिपट गई और इस दौरान आपत्तिजनक वीडियो संतोष ने मोबाइल के कैमरे में बना लिया। इसके बाद बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देकर कई बार ब्लैकमेल किया। सोनू की जंजीर व 2 अंगूठियां भी लूटी है। SP आशुतोष बागरी ने बताया कि 5 आरोपी पकड़ लिए गए हैं, उनसे लूटी गई सामग्री भी जब्त कर ली गई है। मई की बात है, जिसमें कि एक फरियादी है जिनको, जो कि सुमावली में अपना मेडिकल की दुकान मेडिकल का काम करते हैं, उनसे एक व्यक्ति ने मोबाइल मांगा और मोबाइल से एक कॉल किया। कॉल करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट किया और इसके बाद फ़ोन उनको दे दिया। थोड़ी देर बाद एक महिला का फ़ोन फरियादी के फ़ोन पे आता है, मोबाइल पे आता है, और वो उनसे अश्लील बातें करना शुरू कर देती है। वो उन्होंने रिकॉर्डिंग भी कर ली इसकी, और कुछ समय बाद ये उसके 2 दिन बाद 18 तारीख को इनके चाचा के लड़के की शादी थी, तो ये गए हुए थे, मुरैना आए हुए थे, और जब लौट रहे थे तो 2 आरोपियों ने इनके जो है उनको पकड़ लिया और पकड़ करके अपने घर ले गए, और वहाँ पे 2 महिलाएं थी। उन महिलाओं ने इनके साथ में इनका अश्लील वीडियो बना लिया और वीडियो बना करके ब्लैकमेलिंग करने लगे। साथ में जो है इनके जो ज्वेलरी वगैरह इन्होंने पहन रखी थी, अंगूठी और चैन वगैरह, वो इनसे छीन ली और पैसे भी इनसे ले लिए कुछ, और बाद में जो है और डिमांड करने लगे। इनकी और डिमांड थी कि 2 लाख रुपए हमें और चाहिए। तभी जब ये परेशान हो गए, बिल्कुल त्रस्त हो गए, तो ये पुलिस के पास में आए। पुलिस ने इस पर FIR दर्ज की और इसमें मामले की पतारसी शुरू की। तो ये 5 आरोपी हैं, 5 आरोपी पकड़ में आए पुलिस के, और इनसे जो है जो इन्होंने ज्वेलरी लूटी थी वो लूट का पूरा माल बरामद हो गया है। 30,000 रुपये इनसे बरामद हो गए हैं, और बाकी कुछ पैसा इन्होंने जो मोटरसाइकिल की किस्त वगैरह भरने में की है, तो वो इनसे रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। और इनसे जो पूछताछ में जो है चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं कि इन्होंने जो है कुछ और लोग हैं जिनके साथ में इन्होंने इस तरह की ठगी का काम किया है। मरीना से देवेंद्र सिंह राजपूत की यह रिपोर्ट।